तो डी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं आपके 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर लेक्चर नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तक आपने पढ़ा था डियर कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट क्या है डियर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइट एक प्रकार की आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। जैसे कि एक अंधेरा कमरा होता है डियर, उसके अंदर आप कोई भी चीज, अंधेरे कमरे के अंदर आप कोई चीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका हम बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होते ही हम क्या देखने लगते हैं बेटा, कमरे में रखी हुई चीजों को क्या करते हैं, देखने में क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रात का समय होता है, ठीक है, और डार्क नाइट है, ठीक है, उस दिन मून भी नहीं निकला है, तो उस दिन आप देखेंगे कि चारों चीज और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज देखने में आप क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और लेकिन जैसे डे होता है बेटा, सन निकलता है, तो सन से लाइट एनर्जी आती है और आपको चारों ओर की चीजें जो होती हैं वो देखने में आप क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि लाइट कैसे चलती है, तो हमने कहा था लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। लाइट एनर्जी हमेशा कैसे चलती है डियर, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। जैसे यहां पर मैंने बना दिया एक आपका कैंडल, और इस कैंडल से लाइट एनर्जी अगर यहां जा रही है तो कैसे जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और लाइट एनर्जी का जो पाथ होता है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। और ये एरो का साइन इधर को है, मतलब लाइट जो एनर्जी है वो यहाँ ए टू कहाँ जा रही है, बी जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था क्या होता है कि लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है, ठीक है, तो हमने देखा था कि लाइट अगर देखिए ये लाइट है, मान लीजिए ये पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, यहाँ कोई एक कैंडल है, इस कैंडल से आपका लाइट आ रही है और ये एयर में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर से कोई और चीज है, मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, किसी और, कोई और मटेरियल है, मान लीजिए कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये एक वॉल बोल सकते हैं या कुछ भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये एक ग्लास का टुकड़ा हो, ठीक है, ग्लास का स्लैब हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ये एक मेटल का एक पीस है, ठीक है, या हो सकता है कि ये एक वाटर है, ठीक है, तो ये एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। यहां है मीडियम वन, मीडियम वन, और ये है मीडियम टू, ठीक है। मीडियम वन बोले तो यहाँ का जो मटेरियल है वो कौन है, मैंने अभी मान लिया सपोज एयर है, तो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होंगे, ठीक है। अगर मैं इसे ग्लास का पीस मानता हूँ तो ग्लास के मटेरियल, ग्लास का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ और होगा। तो मीडियम में क्या आ गया डियर, चेंज आ गया, पहले एयर था अब कुछ और है। कुछ भी रख लो, चाहे ग्लास का एक पीस रख लो, मेटल का एक बॉक्स रख लो, वाटर रख लो, वॉल है आपका, वुड है, कुछ भी है, मतलब जो भी है आपने मीडियम को क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या होगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम और से दूसरे मीडियम में जाए, जाए नहीं, अगर हम कहें तो यहां से इस, अगर आप इस सरफेस को देखें, इस लाइन को देखें, ठीक है, तो इस लाइन से इधर कोई और सरफेस है, और ये इस सरफेस से इधर आप देखें तो कोई और मीडियम है, और इस सरफेस के इस ओर देखें तो कोई और मीडियम है, ठीक है। तो मीडियम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये यहां क्या है डियर, एयर है, एयर के बाद ये कोई एक मटेरियल है, तो इस ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस, ठीक है, इस सरफेस से ऊपर, इस सरफेस से ऊपर क्या है डियर, एयर, और इस सरफेस के नीचे, नीचे ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, इस सरफेस से नीचे, नीचे क्या है बेटा, पेपर, ठीक है। तो
इस सरफेस के ऊपर अलग मीडियम है और इस सरफेस के नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है? क्या है इस सरफेस के नीचे? पेपर। तो मीडियम में क्या आ रहा है डियर? चेंज आ रहा है, ठीक है? यहाँ एयर थी और इस सरफेस से नीचे क्या है? पेपर है। तो इस सरफेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। ये सरफेस क्या कहलाएगी? इंटरफेस। इंटरफेस किसको बोलेंगे? तो इंटरफेस इज दैट सरफेस, इंटरफेस इज दैट सरफेस विच इज सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम, जो दो अलग अलग मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। देखिए, इससे ऊपर एयर, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? पेपर। तो ये सरफेस जहां से एयर और पेपर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ऐसे ही इंटरफेस कहां पे हो सकता है? एक इंटरफेस ये हो सकता है डियर जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये भी तो एक इंटरफेस है, ठीक है? इस सरफेस के इधर क्या? एयर। इस सरफेस से अंदर जाने पे क्या है? पेपर। मीडियम क्या हो गया? चेंज। तो वो सरफेस जिसके एक ओर दूसरा मीडियम और उस सरफेस के दूसरी ओर दूसरा मीडियम है, ठीक है? तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन की क्या होगी? इंटरफेस इज अ दैट सरफेस विच इज सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है? ऐसे ही अगर हम देखें, ठीक है, ये आपका, मेरे हाथ में एक बाउल है, ठीक है? इस बाउल के ये सरफेस आप देखेंगे तो इस सरफेस के ऊपर क्या है? एयर। इस सरफेस से नीचे क्या होगा डियर? अगर अगर ये ऊपर वाली सरफेस देखूं और इससे नीचे को क्या मिलेगा मुझे, कुछ डेप्थ तक मुझे क्या मिलेगा? स्टील। तो मीडियम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। और ऐसे ही मैं आपको क्या दिखाऊं, यहां पर एक रिमोट पड़ा हुआ है, ठीक है? तो देखिए, ये एक सरफेस है, ठीक है? इस सरफेस से ऊपर क्या है? एयर। इस सरफेस के नीचे क्या है डियर? ठीक है, इस सरफेस के नीचे क्या है? प्लास्टिक। तो ये सरफेस क्या कहलाएगी? इंटरफेस। इंटरफेस ऐसे बहुत यूज हो रहा है आजकल, सैनिटाइजर है, ठीक है? तो ये देखिए, यहां क्या है डियर? ये जहां ये कुछ नहीं है, इस ये यहां क्या है? एयर है, ठीक है? अब यहां पर क्या है? जैसे यहां एयर है, यहां एयर है, यहां एयर है, यहां पर आती क्या हो गया? मीडियम क्या हो गया? चेंज। क्या आ गया यहां पर? अब प्लास्टिक, ठीक है? फिर अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर क्या है डियर? सैनिटाइजर, ठीक है? तो मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो सरफेस जिससे कोई दो मीडियम एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ये वाली लेयर, ठीक है? इस लेयर के इधर क्या? एयर। इस लेयर के नीचे अंदर को जाने पे क्या मिलेगा? प्लास्टिक। तो ये लेयर क्या कहलाएगी आपकी? इंटरफेस। कोई दिक्कत इतना समझने? तो जब डियर लाइट, ठीक है, ये है मीडियम वन, ये है मीडियम टू और ये है आपकी क्या? इंटरफेस। अब आपको इंटरफेस समझ में आ गया होगा। इंटरफेस इज दैट सरफेस विच इज सेपरेट टू मीडियम। तो इस इंटरफेस से पहले कोई और मीडियम है और इस इंटरफेस के बाद कोई दूसरा मीडियम है। तो जब लाइट किसी इंटरफेस पे गिरती है तो कितनी तरीके की पॉसिबिलिटी है? तो हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। या तो लाइट रे इस इंटरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाए जिस मीडियम से वो आ रही थी। जैसे कि ये लाइट आ रही है एयर से और यहां पर टकराई और टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट गई, यानी कि वापस किस में लौट गई? एयर में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है डियर? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट रे इस दूसरे मीडियम के अंदर क्या करने लगे? ट्रेवल। टकराकर वापस न लौटे, ठीक है? टकराकर वापस न लौटे और दूसरे मीडियम के अंदर क्या करने लगे? ट्रेवल करने लगे, ठीक है? और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है डियर? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे इस इंटरफेस पे गिरी और यहीं पर एब्जॉर्ब होगी। इस इंटरफेस का जो मटेरियल है उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ना उसने इसको वापस भेजा, ना इसको अपने अंदर ट्रेवल करने लगा, करने दिया। जहां पर गिरी है वहीं पर इसको क्या कर दिया है? एब्जॉर्ब कर दिया है। तो इस तरीके से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे गिरती है तो वहां पर वो तीन तरीके की हरकत कर सकती है। या तो वो टकराकर वापस लौट जाए इस तरीके से, वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो चल के आ रही थी, या फिर इस इंटरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगे, ठीक है? या तीसरा, जहां पर गिरी है वहीं पर क्या हो जाए? एब्जॉर्ब।
अगर टकरा के वापस लौटती है तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, अगर इस इंटरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर ट्रेवल करने लगे तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जिस जहां पर इंटरफेस के जिस पॉइंट पे गिरी है वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपका जो इंटरफेस है उसको पेनिट्रेट करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, अगर इंटरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वापस लौट गई तो इसको बोलेंगे डियर हम क्या रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, इतना तो आपने इससे पहले देखा था। तो आज हमारा जो 10th का चैप्टर है वो केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, यानी कि या तो लाइट रे इंटरफेस पे टकराने के बाद वापस लौट जाए या फिर उस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाए, रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमिना आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन आपका क्लास 11th में चलेगा। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है डियर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन क्या, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक या बाउंसिंग बैक, ठीक है, ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब डियर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सरफेस है यहां पर, ठीक है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक लाइट आई, ठीक है, एक लाइट रे मैंने यहां पर इंसिडेंट कराई है। ठीक है, लाइट रे इस सरफेस पर गिरने के बाद उसी मीडियम में लौट गई जिस मीडियम से वो आई थी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट आई, कोई एक सरफेस था, मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है जिसपे आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो ये एक मिरर है, तो ये इस मिरर से, मिरर किसका बना होता है, कांच का बना होता है, तो इससे ऊपर क्या है डियर, एयर, इस मिरर से ऊपर क्या है, एयर, और इस सरफेस से नीचे क्या है, इस सरफेस से नीचे है ग्लास। ठीक है, तो इस इंटरफेस पर लाइट गिरने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गई जिस मीडियम से वो आई थी। ठीक है, लाइट आई किसी सरफेस पे गिरी और गिरने के बाद टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस जा रही है जिस मीडियम से वो चलकर आई थी, तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है डियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको कोई ये बड़ी चीज नहीं है, मतलब कि एक, मतलब कोई चीज आ रही है, टकरा रही है और टकराने के बाद वापस लौट गई, मतलब कि पूरा एग्जाम्पल साफ है। जैसे कि ये है, ये एक कैप है इसका, मैंने इसको यहां से फेंका, अगर ये इस पर टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया। ठीक है, कोई चीज आई, टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ कैप। अभी यहां पर कौन 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 गया, ये कैप गई ना, पेन की कैप, ये मार्कर की कैप है, इस कैप को मैं यहां से फेंकता हूं, ये और ये गई किस में ट्रेवल कर रही थी, पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, एयर में ट्रेवल कर रही थी, टकराई, वापस आई, अब कहां ट्रेवल कर रही है, एयर में। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये गया, टकराया और वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक नॉर्मल वर्ड है रिफ्लेक्शन, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, रिफ्लेक्शन मतलब टकराना और टकरा के वापस लौटना। ये एक कैप आया, टकराया, टकरा के वापस लौटा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ कैप। अगर लाइट आई, लाइट टकराई, टकरा के वापस लौट गई, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब टकराना, टकरा के वापस लौटना। मेरे हाथ में अगर कीचड़ होता, ठीक है, मैं कीचड़ इस पे मारता, तो वो मड जो है, मड मैंने फेंका और यहां पर टकराया, टकराने के बाद न वापस लौटा, न इस बोर्ड के अंदर घुसा, ये यहीं पर चिपक गया, ये क्या हो गया, ये एब्जॉर्प्शन है।
ठीक है, कोई चीज आई, टकराई, टकरा के वापस लौटी, रिफ्लेक्शन। कोई चीज आई वहीं पर, जहां पर टकराई है वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, एक मड है, मड फेंका यहीं पर, इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। मेरे पास एक गन होती, मैं गन से बुलेट यहां से दागता, तो बुलेट जाती टकरा के ना तो वापस लौटती ना यहाँ पर एब्जॉर्ब होती, वो इसके अंदर अगर इसको बिल्कुल पेनिट्रेट करके इसके अंदर ट्रेवल करने लग गई तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रेक्शन। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब टकरा के कौन लौटने वाला है? लाइट लौटने वाली है। लाइट आई, ये सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट गई जिस मीडियम से वो ट्रेवल करते हुए आ रही थी, तो इसी को कहते हैं डियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर इज नो कंफ्यूजन इन रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर सिंपल वर्ड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कोई चीज आ रही है, टकरा रही है और टकराने के बाद वापस लौट रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि लाइट आई किसी सरफेस पे, टकराई और टकराने के बाद क्या हुई? वापस लौट गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक पे से नोट कर सकते हैं। अब देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे ये एक सरफेस है, पहले तो रिफ्लेक्शन क्या है आप समझ गए हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस लौटना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो कोई चीज लाइट रे आई किसी मीडियम पे टकराई और टकराने के बाद डियर वो क्या हो गई? वापस लौट गई। लाइट आई इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स मालूम होना चाहिए। पहला पहला जो है इसमें वो है इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है डियर? तो इंसिडेंट रे वो रे जो आ रही है, तो आपको फिगर में दिख रहा है कि इस सरफेस पर, ठीक है, इंसिडेंट गिरना, ठीक है, तो कौन सी रे इस सरफेस पे गिर रही है? ये रे कि ये रे? तो आप देखेंगे ये रे, इसका नाम हम रख देंगे इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, मतलब कि आने वाली लाइट, जो रे लाइट, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यानी कि गिर रही है, इसका नाम हमने क्या कर दिया? इंसिडेंट रे रख दिया। ये पूरी की पूरी लाइट एनर्जी है, ये भी लाइट एनर्जी है, ठीक है, ये लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी आई टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई? वापस लौट गई। अब पूरी की पूरी है तो ये लाइट, लेकिन यहां से यहां तक इसका नाम हमने रख दिया इंसिडेंट रे, मतलब कि आने वाली, गिरने वाली रे। ये अब क्या हो रहा है? लाइट रे गिरी यहां पर, टकराई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद ये क्या हो रही है? वापस लौट रही है, तो इसका नाम हमने रख दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रे हम बोलेंगे तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। इंसिडेंट रे मतलब कि वो रे जो इंसिडेंट हो रही है, किसी सरफेस पर गिर रही है, समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि वो रे जो टकरा कर क्या हो रही है? वापस लौट रही है, उसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अगली चीज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अगला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि वो पॉइंट जिस पर कोई लाइट गिर रही है उसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये यहां पर लाइट रे गिरी, इस पॉइंट पे लाइट रे गिरी, तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे लाइट रे गिरी, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि किसी सरफेस को बनाने के लिए भी है, ये एक सरफेस है तो इस सरफेस पे ढेर सारे पॉइंट है, आप जानते हैं, ये एक पॉइंट, ये है, एक 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 ये, देयर आर मेनी पॉइंट्स इन अ सरफेस। और जिस पॉइंट पे लाइट रे गिर रही है, मान लीजिए ये एक लाइट रे, तो लाइट रे इस पॉइंट पे गिर रही है, तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने? इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ठीक है, और
ये देख लीजिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये लाइट रे, ये इंसिडेंट रे, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट गिरी, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रे टकराकर क्या हो रही है, लौट रही है, तो इसका नाम रख दिया हमने क्या, दैट इज, ये दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज इंसिडेंट रे। ये पेन की नोक मान लीजिए, ये ऐसे लाइट आई तो इसका नाम क्या रखा, ये लाइट आई, आने ये टकराई, टकराने के बाद ये वापस लौट गई, ये आने वाली रे, ये टकराकर वापस जाने वाली रे। तो आने वाली रे इसका नाम बोलेंगे इंसिडेंट रे, टकरा के वापस जाने वाली रे इसका नाम रखेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट रे गिर रही है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पर लाइट रे गिर रही है, तो इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एक तीसरा टर्म हमें यहां पर चाहिए और वो है डियर नॉर्मल। तीसरी चीज है यहां पर नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इज अ लाइन, दो वर्ड होते हैं, पहले तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने ए बी, ये दूसरी लाइन है सी डी डी, ठीक है। अब ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो हम क्या बोलते हैं, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, या फिर ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। जब कोई दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हम बोलेंगे दैट रेड पेन इज परपेंडिकुलर ऑन ब्लू कलर्ड पेन, या फिर ब्लू कलर्ड पेन इज परपेंडिकुलर ऑन रेड कलर पेन, ठीक है। परपेंडिकुलर को आप जानते थे, बट नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल भी एक लाइन है, नॉर्मल भी क्या है डियर, एक लाइन। बट परपेंडिकुलर तो क्या होता है, परपेंडिकुलर में एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर क्या होती है, किसी दूसरी लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये लाइन इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90। बट नॉर्मल में क्या होता है डियर, एक लाइन होती है, एक लाइन जो किसी सरफेस के साथ, दैट इज, ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, आप देख सकते हैं, ये यहीं पे देख लीजिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के साथ ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। क्या ये एंगल अभी 90 है इस सरफेस के साथ, नो, ये लाइन जो है इस सरफेस के साथ क्या बना रही है, इस ओर एक्यूट और इस ओर ऑब्ट्यूज, ठीक है। अभी भी ये क्या है, अभी इसके साथ एक्यूट बना रही है, इस ओर ऑब्ट्यूज, तो ये इसे बोलेंगे हम क्या, नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल। ये लाइन जो है, जब लाइन किसी सरफेस के साथ, जब कोई लाइन किसी सरफेस के साथ, ठीक है, ये लाइन इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है डियर, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस लाइन का नाम हम क्या रखेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल। परपेंडिकुलर कहेंगे तो दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है डियर, 90 डिग्री, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब हम नॉर्मल कहेंगे तो यानी कि नॉर्मल का मतलब है कोई लाइन, ठीक है, किसी सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो नॉर्मल भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम एबल हैं, नहीं, अब एक और चीज आपका रहेगी, तो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए यहां से नीचे कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब लाइट रे आई, ठीक है, दैट इज, यहां अगर एयर है तो दैट इज मीडियम वन और दैट इज मीडियम टू।
अब लाइट आई किसी एक मीडियम, पहले मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और जैसे ही इस इंटरफेस पे गिरी तो इस इंटरफेस से ऊपर दूसरा मीडियम, इस इंटरफेस से नीचे अलग मीडियम। तो जैसे ही इस इंटरफेस पे गिरी, इस इंटरफेस पे गिरने के बाद टकरा के वापस लौट गई। लाइट रे आई किसी सरफेस पे गिरी, गिरने के बाद टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, तो ये फिनोमिना क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई चीज आई, टकराई और टकरा के लौट गई। लाइट आ रही है, लाइट टकरा के लौट रही है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे ये लाइट रे गिर रही है, तो इसका नाम रख दिया हमने पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे आ रही है, तो इसको हमने बोला इंसिडेंस रे, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे टकरा के क्या हो रही है, वापस लौट रही है, तो इसका नाम रख दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वो लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, देखिए ठीक है, अब ये वो लाइन है दैट इज अ, ठीक है, ये वो लाइन है जो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। आपको दिख रहा होगा ये लाइन, अगर मैं इसका नाम दे दूं ओ पी, तो ओ, चलो ओ बी, इस सी डी सरफेस के साथ, सी डी सरफेस पर ओ बी क्या है डियर, परपेंडिकुलर है। तो ये एक सरफेस है, तो सरफेस पर अगर लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसका नाम हो गया नॉर्मल। तो ओ बी इज अ नॉर्मल ऑन अ सरफेस सी डी। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नॉर्मल ओ बी इज नॉर्मल ऑन द सरफेस सी डी। अब एक नया टर्म आपको चाहिए और वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है डियर, द एंगल बिटवीन, याद होना चाहिए, मतलब आप नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल किसके बीच का, इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बिल्कुल हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा ये जो एंगल हैं ये किससे, किसके साथ बन रहे हैं, नॉर्मल के साथ। ये एंगल किसके साथ बना रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहते हैं तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बोलते हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल किससे देखेंगे, नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले तो हम पढ़ लेते हैं,
हाँ तो डियर, अब हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किया जाता है डियर एंगल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है डियर एंगल आर से। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहीं चमक रहा होगा तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तो याद हो जानी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके जिस भी कॉपी में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, उस पे इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, नई कॉपी नहीं लेनी है डियर, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जो भी आपकी ओल्ड कॉपीज बची हुई हैं, कोई रफ कॉपी है उस पे नोट कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। तो पहले आप लोगों को ये याद हो गया होगा, अब इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। चलो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो डायग्राम से समझते हैं। दैट इज अ सरफेस, ठीक है। मैंने एक मिरर लिया हुआ है, ठीक है, और इस मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। इसको बोला इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये ड्रॉ किया नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा होगा, देखिए इस लाइन के बीच अगर मैं कहूँ ये है ओ, दैट इज ओ ओ डैश। तो ओ ओ डैश क्या है? इंसिडेंट रे। ओ डैश इंसिडेंट रे। ओ डैश इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ डैश इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ए ओ डैश, व्हाट इज ए ओ डैश? ए ओ डैश इज अ नॉर्मल ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ओ डैश। ये ए ओ डैश नॉर्मल है किस पॉइंट पर? ओ डैश पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लाइट रे आई, टकराई और ये स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गई जिस मीडियम से आ रही थी, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। अब बताइए व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना ये एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना ये एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। ऑल थ्री आर लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और ये नॉर्मल, ये तीनों किस में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इसको समझने के लिए अब बेसिकली इसकी जरूरत क्यों आई, अब इसको समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होंगे बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सपोज करिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। इस सरफेस पर ये लाइट रे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये इंसिडेंट रे है, ये रे इस सरफेस पे गिरी। अब गिरने के बाद
ये टकरा कर वापस लौटी, ये ठीक है, यही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे है। लाइट रे आई टकराई, ये आई टकराई, यहाँ कोई सोर्स था, मान लीजिए बल्ब है, कैंडल है, कुछ भी है, सोर्स ऑफ एनी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर लाई देयर, और उससे ये आपका लाइट रे आ रही है, टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई, वापस लौट गई। अब ये लाइट रे टकराने के बाद, ठीक है, यहां भी तो जा सकती थी, ठीक है, यहां भी जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, ये देयर आर मेनी पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, जहां ये लाइट रे, ये आने वाली लाइट रे, ये इंसिडेंट रे, ये टकरा के जा सके, तो यहां भी जा सकती है, यहां 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 कहीं भी, ठीक है, तो कहां जाएगी, तो इसको बताएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ कहता है कि ये ब्लैक पेन आपका नॉर्मल है, ठीक है, ब्लू पेन इंसिडेंट रे है, ठीक है, और रेड पेन आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये है आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला लॉ कहता है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसके बीच बना ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट रे को इस तरीके से जाना है कि दोनों के बीच बने एंगल क्या होना चाहिए, ये रेड पेन और ब्लैक पेन के बीच का एंगल, ठीक है, ये ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अगर लाइट रे को अगर हम इस डायरेक्शन में भेजें, ठीक है, तो आपको साफ साफ अभी दिख रहा होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेड पेन और ब्लैक पेन के बीच जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डजंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर अभी भी देखें, आप अभी देखें, अब भी इक्वल नहीं है, अब देखें अभी भी इक्वल नहीं है, तो आपको अभी दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके बीच बना एंगल और इन दोनों के बीच बना एंगल क्या है डियर, इक्वल। तो पहला इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब इक्वल एंगल की बात करते हैं, पहला लॉ तो आपके समझ में आ गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है क्या दोनों ये इक्वल है, हाँ है, ठीक है, ये सरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है एंगल ऑफ, अभी भी तो ये, तो पहले तो ये है कि लाइट रे ऐसे जानी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को क्या करती हुई जाए, इक्वल करती हुई जाए। अब जरूरी है ऐसे ही जाए, जब लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती है तो अब भी अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोशिश करना, अब आप लोग तो हो नहीं यहां पर, नहीं तो पेन पकड़ते, देयर आर मेनी डिफिकल्टी अकेले ये सब करने में, तो आपको दिख रहा होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे अब भी एंगल इक्वल है, ठीक है, ऐसे भी तो एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये अभी भी तो देखिए ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, ये एंगल अभी भी तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो दूसरा लॉ अब किस डायरेक्शन में जाए, तो दूसरा लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे,
ये तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए डियर? सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो एक प्लेन का मतलब ये, इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो ये अगर अभी मैं कहूं तो ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। ऐसी कंडीशन में देखिए, ठीक है, अभी देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है? इक्वल। और मैं कैसा कर रहा हूं, ये इंसिडेंट रे आई, टकराई और टकरा के ये लौट गई, ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में, मतलब ये इस तरीके से होना चाहिए कि ये इनके पीछे अगर मैं एक पेपर लगाऊं तो तीनों के तीनों एक ही किस्म आ जाए, पेपर में आ जाए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किस में है डियर? एक ही प्लेन में है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों भी क्या है? इक्वल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल और साथ ही साथ तीनों एक ही प्लेन में। अगर ऐसा कर दूं तो दिख रहा होगा आपको, रिकॉर्डिंग की वजह से कैमरा, पंखा भी ऑन नहीं है, गर्मी हो गई है काफी। तो अभी आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है? इक्वल। बट ये दोनों एक प्लेन में है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, ये दोनों एक, ये और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, बट तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। अगर ये दो एक प्लेन में है तो ये जो है रेड पेन कहाँ जा रही है? प्लेन से बाहर। अगर इन दो को एक प्लेन में रखोगे तो ये कहाँ आ जाएगा? प्लेन से बाहर। ठीक है, तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्कूल खुलने के बाद फिर और हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इतना याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है, ये पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। दूसरा भी ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तीनों, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी कि अगर यहां को जाती है तो आप देखेंगे कि ये दो अगर एक प्लेन में होते भी हैं, ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है? रेड पेन प्लेन से कहाँ जा रही है? अगर ऐसे भेजूंगा तो ये प्लेन से कहाँ जा रही है? बाहर। अगर ये दो एक प्लेन में है तो ये प्लेन से कहाँ है? बाहर। ऐसा किया तो देखिए ये तीनों के तीनों किस्म आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। एक पेपर अगर इनके पीछे में लगाऊं तो ये पेपर तीनों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कर दूं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंगल इक्वल भी हैं, लेकिन ये दो अगर प्लेन में है तो आप देख रहे होंगे रेड पेन प्लेन से कहाँ है? बाहर। अगर ये दो एक प्लेन में है तो ये कहाँ जा रही है डियर? प्लेन से बाहर। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिएगा, पढ़ना नहीं छोड़ेगा।